कई बार तो ऐसा हुआ कि एक क्लास में मैंने दो दो स्कूल चेंज किए हैं और रोहतक जैसे मैं लैंड हुआ ना एक दो दिन के बाद मुझे इंडस्ट्री से कॉल आने लगे रेड चिलीज़ फ़ोन कर रहा यशराज फ़ोन कर रहे एजेंसीज बड़ी बड़ी एजेंसीज़ फ़ोन कर रही तो रेड चिलीज़ सुनते मेरे कान दोबारा ठनके मेरा माथा था ठनका मैं डन भाई कुछ नहीं, नहीं। पूछ मैं फिर फ्रीलेंसर आई मेरे पास अलग से इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं कोई किसी विनाश कर देगा ख़त्म कर देगा फर्स्ट ब्रेकअप की बात कर लो जब मैं किसी लड़की से प्यार करता था उसकी वजह से कुछ हुआ तो वो मेरा पहला प्यार थी होता है सबका होता है जब आप पहली पहली बार बस वो बहुत ट्रू लव था मुझे ऐसा मतलब अभी भी लगता है हाय गाइस माय नेम इज नवनीत मलिक और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे आपकी अभी करियर जर्नी की बात करें कहाँ आपने इंजीनियरिंग की थी बिल्डिंग बनाते थे हरियाणा के एक छोटे से गांव के थे कैसे आपने सपना देख लिया कि अब मुझे एक्टिंग की दुनिया में जाना है और कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी फैमिली का कभी सोचा नहीं था जब घर से निकला था या गांव से निकला था कभी सोचा नहीं था तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए या मेरे फर्स्ट ब्रेकअप की बात कर लो जब मैं किसी लड़की से प्यार करता था उसकी वजह से कुछ हुआ फिर मुझे रोहतक छोड़ना पड़ा उससे पहले भी जब गांव में रहते थे तो मैंने मोहब्बत फिल्में देखी थी तो वहाँ पर हॉस्टल के बारे में पता चला था उससे पहले भी हर साल मैं स्कूल चेंज करता था क्योंकि पापा को लगता था कि इस स्कूल में अच्छी आ, एजुकेशन नहीं मिल रही है तो इनको दूसरे स्कूल में डाला जाए तो हर साल मतलब कई बार तो ऐसा हुआ कि एक क्लास में मैंने दो दो स्कूल चेंज किए हैं मतलब इतने स्कूल चेंज किए मैंने अगर मैं टेंथ क्लास तक पढ़ाई कि मैंने बारह तेरह स्कूल चेंज किए होंगे तो वो सब होते होते चीज़ें कुछ ऐसी हुई मोहब्बतें के चक्कर में मैं पापा लेके आया कि हॉस्टल में करवाता हूँ तो उससे कुछ दिन पहले मैंने मोहब्बतें देखी थी मगर ऐसा हॉस्टल होता है ऐसा ये होता है उसके चक्कर में हॉस्टल में गया हॉस्टल में कुछ मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे भूत वूत दिखते हैं मेरे को <laughs> तो मैं वहाँ से बहाना मार कर घर पर आ गया वापस गाँव में तो वहाँ किसी ने बोला पापा को कि इनकी पढ़ाई अच्छे से करवानी पड़ेगी गाँव में रखोगे तो सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो पापा ने फिर रोहतक में घर बनाया जैसे तैसे करके अपना जो भी वो कर सकते थे बहुत खूबसूरत तरीके से रखा उन्होंने हर चीज़ को रोहतक में आने के बाद फिर पॉलिटेक्निक किया उसके बाद बी में एडमिशन लिया उसकी भी स्टोरी है वहाँ कैसे पहुँचा तो फाइनल ईयर में बी के फाइनल ईयर में मुझे डेली में एज ए सिविल इंजीनियर जो डिप्लोमा किया था उस बेसिस में मुझे जॉब लग गई थी तो ये ये डॉट ना यू पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं फिर मैं सिविल जॉब करते करते कॉलेज में मैंने एक रैंप वॉक किया था जैसे आपके एनवल ये होते ना हाँ तो वहाँ पर मैंने रैंप वॉक किया था तो किसी ने बोला कि यार तू मॉडलिंग कर ले तो उसमें बढ़िया कर सकता है तेरी हाइट है लीन है ये है वो है तो डेली में मैं ऑडिशन सर्च करने लगा था ऑडिशन सर्च करते करते मतलब मैं जाता ऑडिशन के लिए ऐसे कैमरा देखता पचास लोग देखता कांपने लग जाता और वापस आ जा जाता है तो ये सिलसिला कुछ एक साल चला था मतलब रोज़ का यही था कि फ़ेसबुक पे कहीं सर्च करता यहाँ ऑडिशन चल रहे हैं वहाँ ऑडिशन चल रहे हैं तो जाता देखता वापस आ जाता एक साल मैंने सिर्फ कैमरे को कैमरे के सामने नहीं आ पाया साइड से कैमरा देखता और भाग आता था तो करते करते एक ऑडिशन हुआ लीड मॉडल लुक का जो इंटरनेशनल सबसे बड़ी एजेंसी है इन मॉडलिंग करियर तो उनका ऑडिशन हुआ था मैं घर जाने वाला था कपड़े धुलवाने के लिए तो मुझे लगा कि मैं ऑडिशन दे के ही चला जाता हूँ तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए मैं टॉप सारे जितने भी मॉडल्स थे वहाँ पर लाइनों में हट्टे कट्टे पूरे बढ़िया फिजिक के सब उसमें लाइनों में लगे हुए तो टॉप सिक्स में मैं खड़ा उन्होंने चार बंदे लिए और मुझे भी निकाल दिया वहाँ से डेली के ऑडिशन से फिर दो दिन के बाद कुछ कैलकटा में ऑडिशन होने वाला था तो उस टाइम पे मेरी जॉब भी निकल गई थी क्योंकि कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी उनकी वजह से हमें जॉब से निकाल दिया गया था तो हम जॉब भी सर्च कर रहे थे हफ्ता दस दिन हुआ था वो ऑडिशन हुआ दो दिन के बाद कैलकटा में ऑडिशन था तो अंदर से कुछ इंट्यूशन आया कि यार तुझे कैलकटा जाना चाहिए भले ही पैसे ना हो मैंने अगले दिन की सिर्फ ट्रेन की टाइमिंग देखी कि कितने बजे की ट्रेन है मैंने ट्रेन में बैठा साढ़े चार बजे अगले दिन साढ़े चार बजे मैं हावड़ा उतर गया मैंने जाके वो ऑडिशन दिया वहाँ से मैं सिलेक्ट हो गया वही फिर मुझे बॉम्बे लेके आए मेरे पहले पूरी खानदान की पहली फ़्लाइट में मैं बैठा वो भी स्पॉन्सर्ड फ्लाइट <laughs> तो जो मैं पहली बार लैंड हुआ था बॉम्बे में मेरे पास दस का नोट था मुझे आज भी याद है कागज़ का और मैं पूरा प्लान करके चला हुआ था कि अलीट वाले लेके आए तो यही वापस भेजेंगे मेरा तो कोई ख़र्चा नहीं है तो ना पैसे वैसे घर वालों से कभी लिए नहीं थे सोफिटल होटल है अब हम कहाँ हैं अभी के में सोफिटल होटल है ना तो वहाँ पर रुके थे बारह दिन ग्रूमिंग हुई फिर मैं वो जीत गया था कॉम्पिटिशन तो ऐसे करते करते एकदम से इंडस्ट्री जाने लग गई थी फिर इंटरनेशनली गया था मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ सिक्स पोजीशन थी उसके बाद फिर मैं हरियाणा वापस आया रोहतक और रोहतक जैसे मैं लैंड हुआ ना एक दो दिन के बाद मुझे इंडस्ट्री से कॉल आने लगे रेड चिलीज़ फ़ोन कर रहा यशराज फ़ोन कर रहे एजेंसीज बड़ी बड़ी एजेंसीज़ फ़ोन कर रही और मुझे कुछ नहीं पता एजेंसीज़ क्या होती है प्रोडक्शन हाउस क्या होता है यशराज क्या है रेड तो चिलीज़ तो क्या है, बर्गर आपको कर है कोई। मैं उस टाइम पे ना पिज़्ज़ा बहुत खाता था पिज़्जा पिज़्ज़ा हट है ना एक हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से ना मैं पिज़्ज़ा बहुत खाता था तो मुझे ये रेड चिलीज़ ना मुझे वैसे ही कुछ दिखा रेड चिलीज़ मुँह में पानी आ गया तो मुझे ही है। हाँ तो मुझे लगा कोई कंपनी है जो अपनी एड वाइड के लिए फ़ोन कर है तो उस टाइम पे चीज़ें अन इग्नोर हो गई बट डेस्टनी uh, तो डेस्टनी है मतलब जो लिखा होता है वो होगा फिर उसके बाद किसी रीजन से एक दोस्त आया हुआ था रोहतक उसने बोला बॉम्बे चलेगा तो उसकी गाड़ी में मैंने बैग डाला यहाँ पर आ गया उसके साथ रहने लगा फिर सर्च वर्च करने लगा अपना घर वगैरह तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ उस टाइम पे भी बट मेरे लिए कुछ स्ट्रगल नहीं था मरीन ड्राइव पर भी सोया था दो दिन के लिए कुछ था ही नहीं कहाँ रहूँ वगैरह लकीली जब आप, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉग होते हैं आपके मैनिफेस्टेशन नहीं आपको सर्वाइव करना है यहाँ पर लकीली एक फ्रेंड का कॉल आ गया दिल्ली से वो बोला कि नवनीत क्या कर रहा है नवीन भाई है पुलिस में है वो तो बोले कि मेरा वहाँ पे एक वन आर के ले कर डाला हुआ तो वहाँ रह ले तू यहाँ पे क्यों दो दिन से पड़ा हुआ है मेरी ड्राइव पर मगर अगर कुछ था ही नहीं मैं क्या करूँ मगर ना पैसे कि होटल में जा वो सब चीज़ें तो अचानक से उनका फ़ोन आया और मैं वहाँ पर जाकर शिफ्ट हुआ और वहाँ जा मैं सोया एक दिन तो अच्छे से तो वो सब हुआ उसके बाद फिर मैं ऑडिशन देना स्टार्ट किया ऑटो में बैठना पसंद नहीं करता था क्योंकि जब वो मीटर चलता था ना काम का का टक 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 वो बहुत ही यूँ लगता था कि यार सारा अकाउंट आज ही खाली हो जाएगा तो अपने छोटे शहरों में ऐसा है नहीं वो मीटर का वो है नहीं वहाँ दस रुपये में पंद्रह रुपये में एक शॉर्ट में पता है कि वहाँ पहुँचा देंगे पर यहाँ वो मीटर वाला सिस्टम ही मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया फिर भाई ने ही एक बाइक रख रखी थी वहाँ मतलब उसका स्टैंड तक नहीं था और स्टार्ट भी करते तो धक्का मार के जैसे धक्का मार के स्टार्ट करते न्यू बैट के खींच के लेकर आता कल छोड़ता तब जाके वो तो स्टार्ट होती तो वो बाइक थी तो मैं उसको ले हर जगह जाने लग गया हेलमेट होता नहीं था क्योंकि पैसे लगते हैं उसको भी खरीदने गए तो उस चक्कर में मैंने गली गली छान मारी कि कहाँ पुलिस वालों के चक्कर में मैं कहाँ कहाँ भागता था घुसता घुसता तो सारी गलियों के बारे में मुझे पता चल गया था उस बाइक के चक्कर में हेलमेट ना होने की वजह से आसपास ही जाता था मतलब मैं मेरे घर में पुलिस वाले हैं मैं कानून की रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसा नहीं है बट उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं वैसे रहता था तो करते करते फिर मैं एजेंसी से मिला मॉडलिंग एजेंसी तो उन्होंने पहले ही जाते मुझे साइन कर लिया उन्होंने कॉल किया था उनको लगा कि उनको पता था कि मैं आ गया हूँ यहाँ पर तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो मीटिंग के लिए बुलाया एक दो एजेंसी ने जो पहली एजेंसी थी ट्रेन से गया पहली एजेंसी ने जाते ही मुझे कॉन्टैक्ट दे दिया मैंने साइन करके आ गया तो कुछ उसके दो तीन महीने के अंदर ही मेरे पास रेमेंट का कैंपेन आया था uh, मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली जब आप मॉडलिंग का या एक्टिंग का करियर मॉडलिंग का स्पेशली आप करियर करते हो तो रेमेंट सबसे बड़ा ब्रांड बोला जाता है कि यार मुझे कम से कम लाइफ टाइम में एक बार उसके साथ उनके साथ शूट करो और मेरे हाथ में वो था और मुझे पता नहीं था मतलब मेरे पास शूट आ गया मुझे लगा ऑनलाइन ऑनलाइन का कुछ होगा पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था शूट मैंने जो किया था वो ऑनलाइन का गारमेंट का शूट किया था कि जो एक कपड़े के हिसाब से आपको शूट देते कि यार ये कपड़ा पहनोगे सौ रुपये आपको मिलेंगे तो महीने डेढ़ महीने के बाद मुझे वो शूट मिला था उससे पहले ना मेरे पास कुछ मतलब पापा ने अपना कार्ड दे रखा था बट मेरा थोड़ा खुददारी का हिसाब है कि पापा का अगर कार्ड मैं कहीं स्वाइप करता हूँ तो पापा को मैसेज आए तो मेरे लिए खलता था मुझे तो मैं काम सर्च करने लगा था आने के बाद तो मुझे वो शूट मिला गारमेंट का शूट टी शर्ट का जूता फटाफट पहनो और फटाफट निकाल लो सौ रुपये बन गए टक 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 वो सब करते करते एजेंसी ने साइन कर लिया फिर रेमंड का शूट आया और रेमंड का शूट भी मैं हमेशा ही चाहता था तब तक कि मैं बेंगलोर में शूट करूं और एक रेमंड का लाइफ में एक बार शूट कर लूँ अगेन मैंने बताया कि मैं मैनिफेस्टेशन इन को बहुत फॉलो करता हूँ लाइफ में आ, तो मैं बेंगलौर में खड़ा शूट कर रहा था तो मैंने पूछा जो सीनियर मॉडल्स है जो दस दस बारह बारह पंद्रह पंद्रह साल पुराने थे वो शूट कर रहे थे वहाँ मेरे साथ और मैं बिल्कुल ही नया न्यू कमर बट मेरे पास अलीट का टाइटल था शायद उसकी वजह से शायद सिलेक्ट हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता पर मैं वहाँ था तो मैंने पूछा भाई हम क्या कर रहे हैं कह रहे कि भाई हम रेमंड का कैंपेन कर रहे हैं है। मगर कैंपेन मैं कैसे कर सकता हूँ कैंपेन तो सीनियर वो करते हैं वगैरह वगैरह तो मैं बहुत ही लकी फील कर रहा था उस टाइम पर यार तुम्हारे करियर के स्टार्टिंग में ही तुम एक आ, ए लिस्ट ब्रांड कर रहे हो जो टॉप का ब्रांड है इंडिया का उसके बाद तो वो जैसे मेरी कैटेगरी ओपन हुई जैसे रेमेंट का किया तो उस कैटेगरी में जितने बड़े बड़े और ब्रांड आते थे वो उन्होंने पिच करना स्टार्ट कर दिया तो मेरा वो ए लिस्ट में वो सुपर मॉडल वाली कैटेगरी में उसी टाइम पे मेरे को कंसीडर करने लगे ए लिस्ट मॉडल्स वगैरह उनमें इंटरनेशनली किया फिर मैंने पेरिस लंदन से लेके फिर इटली स्पेन केप टाउन तो हर जगह मैंने इंटरनेशनली भी एक्सप्लोर किया मॉडलिंग को वहाँ पर भी किया दिन करते करते फिर छः साल हो गए थे मुझे मतलब मैंने क्या नहीं किया था मॉडलिंग में मतलब कुछ एक ऐसे ब्रांड होंगे जो याद भी नहीं आ रहे होंगे वो कुछ बचे होंगे नहीं तो रिपीट पे चल रहे थे वो ना टच वुड तो हार्ले डेविडसन का किया मैंने मतलब मैं इंडिया में पहला ही बंदा जो हार्ले आकर किया था जिसने तो छः साल के बाद अब आप कनेक्ट करोगे पहले वाली स्टोरीज़ को <coughs> तो छः साल होने के बाद मुझे एक फ्रेंड फ़ोन करता है शाम को कह रहा है भाई मुझे आपकी ना हेल्प चाहिए मैं कहा बोल भाई कह रहा है भाई मुझे ना ऑडिशन रिकॉर्ड करवाना है आप करवा दोगे मैं बिल्कुल यार आ जाओ शाम को वो कुछ है छः साढ़े छः बजे शाम को उनका ऑडिशन रिकॉर्ड करवाया बोले कि आप अपना भी कर दो ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए अच्छा इंसान था इसलिए बोल दिया नहीं तो कौन करवाता है किसी का तो मैंने अपना किया उसने आगे भेज दिया तो अगले दिन ना डायरेक्टर टीम से फ़ोन आता कि आप सिलेक्ट हो गए और मैं मैं किस लिए सिलेक्ट हो गया भाई कह रहे कि कल आपने कोई ऑडिशन दिया था माँ दिया तो था तो कह रहे कि फिर मैंने पूछा मग भाई किसके लिए था अभी बता दो तो मैंने मैं ऐसे ही दिया था मजाक मस्ती में तो कह रहे भाई रेड चिल्लीज़ का तो रेड चिलीज सुनते मेरे कान दोबारा ठन के मेरा माथा था ठन का मगर डन भाई कुछ नहीं पूछना ये मैं करूँगा <laughs> शायद यहीं से दोबारा कॉलिंग आई है मेरी लाइफ की अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ अब मैं एज एन एक्टर भी प्रिपेयर्ड हूँ उससे पहले मैंने थिएटर कर लिया था वर्कशॉप दुनिया भर की कर ली थी दुनिया भर का कैमरा फेस कर लिया था एज ए मॉडल टी वी सीरीज दुनिया भर की कर ली थी तो वो करते करते ना मैं फुल्ली प्रपेयर था उस चीज़ के लिए और मेरे पास वो शॉट आया और उसके बाद मेरी जिंदगी मॉडलिंग से एक्टिंग में शिफ्ट हो गई कम्प्लीटली ये बात है 2021 की लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन कंप्लीट हुआ था सेकेंड लॉकडाउन के बीच की बात है भोपाल में शूट करे थे विक्रांत मासी थे बॉबी सर से थे उसमें साथ में हम रात को बैठे रहते बहुत डाउन टू अर्थ बात बात चिल तो बहुत ही अलग सेटअप में मैं घुस रहा था अभी फिल्मों वालों में तो करते करते फिर हीरोपंथी टू की फिर और गाने वाने की जानिया अंकित तिवारी ये वो आ, फिर फ्रीलेंसर आई मेरे पास अलग से अभी टू थाउजेंड में आई थी वो मतलब ये मान लो कि एक साल के अंदर अंदर, अंदर चार पांच प्रोजेक्ट ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट आ गए थे जहाँ पे मुझे कमर्शियली भी पुश किया जिसने मुझे मेरे करियर में और फाइनेंशियली तो चलो वो तो टाइम टू टाइम होता ही रहता है एटलीस्ट आपका इनिशियली सर्वाइवल ज़रूरी होता है जरूरी होता। पर मेरा वो कुछ इशू था नहीं एज ए मॉडल मैं अपने आप को एक सेफ स्पेस में लेके चल रहा था कि अगर यहाँ पर मुझे अपने आप को छः महीने भी देने पड़े या साल भी देना पड़ा तो मैं फुल्ली प्रिपेयर था उस चीज़ के लिए तो वो सब हुआ फिल्ड की फिर लोगों ने इतना प्यार दिया फिर और चीज़ें भी मैं शूट करा संजय सर के साथ मैंने शूट किया फिर आँख में चोली किया बीच में मैंने अभी दो फिल्में और लाइंड अप हैं तो ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ था कभी सोचा नहीं था मतलब वो करते करते एक एक स्टेप पे सब अपने आप एक्टिंग कभी नहीं सोची थी टी वी सी करना स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे आपको पता चलता है ना कि अच्छा ये एक्टिंग होती है आप टी वी सी जैसे टी वी एड वगैरह जो होती है तो एटलीस्ट एक, एक हल्का अनुमान साहब दिमाग में आ जाता है कि यार कुछ ऐसा सा होता है एक्टिंग में और कई बार उस चीज़ को अगर आपने मज़ा ले लिया उस चीज़ का कि यार अरे ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है फिर आपको उसको कुरेदने का मन करता है फिर मैंने वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया एज एन एक्टर फिर थिएटर वगैरह किया तो सब करने के बाद ऐसे मेरा शिफ्ट एक्टिंग में हुआ पर कभी फर्स्ट डे से और आज तक अगर बोलो कि यार ये करना था तो मैं कभी नहीं बोल पाऊँगा कि यार मुझे कभी इस फील्ड में आना था और ऐसा मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मतलब आपकी जर्नी जितना मैंने सुना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी काफ़ी टफ भी थी लेकिन कहते हैं ना कि जो हासिल करना रहता है जो डेस्टिनी में लिखा रहता है तो मिल के ही रहता है बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ उस चीज़ को इस बात पे मेरे दो तीन थ्योरीज हैं जो मेरी अपनी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करके समझा है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ लिख रखी है कुछ चीज़ आप खुद क्रिएट करते हो आप जब उन चीज़ को मांगते हो ना तो उस चीज़ की जो चीज़ आपको चाहिए उसकी वाइब्रेशन उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है कहीं ना कहीं तो वो ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट आपके पास आ चुकी होती है जब भी आपने सोचा कि यार ये मुझे चाहिए आपने जनरली मांगा आपको पता चल जाता है कि जनरली चाहिए कि नहीं चाहिए वो फिफ्टी परसेंट आ चुकी है सिर्फ आपको फिफ्टी परसेंट डिसाइड जाना है उसको पाने के लिए तो वो एक थ्योरी है दूसरा कि दूसरा ये समझ में आता है कि अरे सब कुछ ना ड्रामा पहले हो चुका है सब कुछ ये सब कुछ ऑटो पायलट पर चलाओ जो मेरे दिमाग में आता है या जो भी कुछ सोचता हूँ बट अगर ऐसा है तो कमाल का राइटर है जिसने लिख रखा है क्योंकि कई बार तो मैं ट्रिप करता हूँ कि यार ये लाइफ क्या है ये बॉडी ये क्या सेंस करके बैठती है आपके आसपास जो चीज़ें हैं आप हर चीज़ को फ़ील कर पाते हो महसूस हवा को फील करना या किसी से बात करते हो तो कम्युनिकेट करना तो क्या क्या बना दी पूरी सृष्टि तो मैं कई बार तो शौक होता है चीज़ों में बट हाँ आई ट्रूली बिलीव कि जो मांगते हो ना वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ हैं जिनका श्योरली श्योरली कोई बोलता नहीं कि यार ये ऐसे होता है बट वो होता है तो या yeah, मतलब इट्स इट्स लाइफ इज़ वेरी सिंपल हम खाम का कॉम्प्लिकेट कर, करके रखते हैं हमारे इंट्यूशन सब कुछ बोल देते हैं हमारे पुराने कब से सुनते आ रहे हैं बड़ों से तेरा दिल क्या बोलता है hmm. तेरी ट्यूशन क्या बोलते हैं तेरी गट फीलिंग क्या है एक घुमा फिरा के सब एक ही बात है कोई बोलता है कि यार मेरे लिए दुआ मांगो तेरे लिए दुआ मांगता हूँ पहले लोग बोलते थे अभी शायद उनके पीछे की मीनिंग लोग भूल चुके हैं कि यार दुआ मांगना क्या होता है ये मैनिफेस्टेशन तो है आप अपने लिए मांगो किसी के लिए मांगो पर वो लगती है लगती। दुआ वही चीज़ थी ना मैनिफेस्टेशन आज के ज़माने में अलग तरीके से देखते हैं कब से बोलते आ रहे हैं तो पहले बोलते थे कि श्राप देते थे वो क्या था वो मैनिफेस्टेशन था कि इसको श्राप दे दूंगा तदार तू तथार्थ ये हो जाएगा तेरे साथ बट अगेन इट्स द सेम कॉन्सेप्ट पहले लोग अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड होते थे इसलिए वो चीज़ें जल्दी हो जाती थी आजकल लोग अपने आप से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है वो एक बाहरी दुनिया में कहीं पे खो गए हैं तो इसलिए वो उनको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उनका मेंटली इतने फोकस नहीं होते हैं वो जो बोलते हैं ना शिद्दत से वो शिद्दत से कनेक्टेड हो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके आस इतनी डिस्ट्रेक्शन भरी हुई है आप वो फोकस करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए तो अगर आप सोचो जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास क्यों जाते थे आज भी जाते हैं कि बाबा कुछ करवा दो ये दिलवा दो वो दिलवा दो भाई क्या है वो सिंपल वर्ड्स में मैनिफेस्टेशन है वो इंसान अपने साथ इस दुनिया के साथ यूनिवर्स के साथ इतना तगड़े से अलाइंड है ना बहुत सटल है वो वो हमारी तरह एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए नहीं हो वो इतने काम शांत अलाइंड हैं जब भी वो कुछ बोलते हैं वो उस यूनिवर्स में कनेक्ट होता है और वो शायद आपके लिए काम कर जाता है वो इतने प्योर हार्ट से आपके लिए मांगते हैं वो चीज़ें हो जाती है वो दुआ बोल लो या फिर बाबा कुछ दिलवा दो वो हो जाता है तो ये सब घुमा फिरा के मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ें हैं तो वो काम करती हैं इस दुनिया में तो कीप इट सिंपल लाइफ को जितना सिंपल रखोगे उतना ईजीली आप उसको इंजॉय कर पाओगे जितना दिमाग यूज़ करोगे आप फंसते जाओगे तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि कोशिश करो कि जितना हो सके कि आपके फर्स्ट इंट्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट करो आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी yeah. आपने कहा कि बहुत लोग बाबा हो को तो आप मानते बिलीव करते बाबा क्योंकि बहुत लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं आप कभी गए हो अपने लिए कि बाबा ये काम मेरा नहीं हो रहा है तो आपके दुआ से शायद हो जाए <laughs> मुझे ना बाबा से मांगने से बेहतर मुझे कुछ चीजें समझ में आ चुकी हैं कि जो मांगना वांगना होता है ना ये अगेन मैनिफेस्टेशन है आप खुद मांग लो या किसी से बुलवा के मांग लो उतना ही काम करेगा ना वो कुछ आपको दिलवा सकते अगर आपको नहीं मिलना है तो अगर आप वो दिल से नहीं बोलेंगे आप बोलते हाँ सबको मिल जाए मिल जाए मिल जाए वगैरह ऐसा नहीं होता है मैं पर्टिकुलरली बाबाओं नहीं मानता बट हाँ उनकी एनर्जीज में बहुत विश्वास रखता हूँ कोई चोला पहन के घूम रहा हो तो मैं बाबा करके अरे बाबा पैरों में नहीं एक इंसान की एक एनर्जी होती है वो आपकी भी एनर्जी हो सकती है वो किसी की भी एनर्जी और कोई भी कभी भी कहीं पे बैठ के क्रिएट कर सकता है उसको चेंज कर सकता है तो अगर किसी इंसान से मुझे एनर्जी कनेक्ट होती है मुझे लगता है कि इसके पास बैठ के मैं बस विलीन हो गया मैंने शांत हो गया अपने आप से कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो मेरे लिए गुरु है वो मेरे लिए एक ज़रिया है जो मुझे किसी एनर्जी से कनेक्ट करवा रहा है जहाँ मैं शायद सर्च कर रहा हूँ और इतनी फास्ट दुनिया के बीच में शायद कहीं मैं खो गया हूँ और वो इंसान मुझे वहाँ पर कनेक्ट करवा रहा है वो मेरा गुरु है तो मैं उस वे से बाबा को देखता हूँ या किसी धर्म स्थान या फिर किसी मंदिर मस्जिद ये अपने चर्च या कहीं पर भी जाता हूँ सिर्फ मैं उस एनर्जी को देखता हूँ मुझे ना कोई भगवान दिखते ना मुझे कुछ और ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैं हर हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ हर किसी के पीछे कुछ स्टोरियाँ थी उनको समझने की कोशिश करता हूँ कि शिव जी शिव जी कौन है मैं सिर्फ नाम में बिलीव कर अरे भगवान मूर्ति रख दी नहीं भाई अगर मैं उनको समझ के कि वो कौन थे क्या करते थे क्यों करते थे उनको समझ के अगर मेरा बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो मैं उनको फॉलो करूँगा या वो किसी भी उसमें हो सबकी अच्छी चीज़ें कुछ थी किसी में कुछ उल्टी भी आज के ज़माने में बोल सकता है यार ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शिव जी के बारे में बोलो कि यार भांग पीते थे आज के दिन पर कोई भांग पी के निकल रहा है तो बोल रहे अरे गंजेड़ी है तो वो पर्सपेक्टिव है बट वो क्यों करते थे क्या करते थे कैसे करते थे उसके बाद कैसे बैलेंस रखते थे हर चीज़ को गुस्सा उनको भी आता था फिर भी भगवान है फिर भी सब पूरी दुनिया पूछती है आज के दिन पे किसी को बोल दो कि तू गुस्सा करता है अरे तेरे बंदे तो नेगेटिविटी है तो हाँ तो वो सब चीज़ें ना बहुत मिक्स हो चुकी हैं आज के दिन पे बट लोग उसके पीछे का मतलब नहीं समझ रहे कि उनको क्यों बिलीव करके उनकी पूजा की जाए या उनको समझ के कोई नहीं कर रहा है सब एक डर के मारे इस बात से एक चीज़ याद आई मैं इंडोनेशिया में था तो वहाँ पर ना मैंने देखा कि हर घर के बाहर ना एक एक पत्तों का बना हुआ ऐसे कटोरी टाइप में होती थी जिसमें फूल आपके एक सिगरेट होती थी उसमें सिगरेट हाँ सिगरेट कागज़ की बना के करते थे घरों पे ही बनाते थे वो सिगरेट डाल के फूल होता था और एक दो दिया विया कुछ होता था रोज़ सुबह निकलो सात आठ बजे हर एक के घर के बाहर आपको मिलेगा मैं रैंडमली घर के अंदर घुसा मतलब बाहर ऐसे आंगन सा था वहाँ पर लोग एक पूजा कर रहे थे मैंने पूछा कि माँ भाई कुछ बात पूछनी हूँ मुझे पूछ सकता हूँ वहाँ भाई बिल्कुल तो बोले कि मैं पूछा कि आप क्यों करते हो ऐसा मतलब मैंने देखा कि हर घर के बाहर कह रहे कि हम ना हमारा बिलीव है कि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाएगा तो एक डर कि डर की वजह से अगर हम मेरे भगवान को नहीं पूजेंगे तो वो कमज़ोर पड़ते जाएंगे और शैतान हमारे घर को ख़त्म कर देगा विनाश कर देगा कुछ ना कुछ कर देगा मैंने दिमाग ठनका कि यार ये 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 किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये शायद डर की वजह से ये चीज़ कर रहे हैं रादर देन समझ के इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कोई किसी विनाश कर देगा ख़त्म कर देगा हर हर कंट्री में हर स्टेट में डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को देखा जाता है अगर ऐसा होता तो दूसरी जगह भी तो कुछ तो होता वहाँ दूसरे बिलीव क्यों हैं तो कॉमन चीज़ों पर अगर आते हैं तो समझ के किसी बिलीव को लेकर चलोगे तो वो उस यूनिवर्स से एक एनर्जी से कनेक्ट करवाता है इतना ही है जो मेरे को शांत रखे एक सेंटर में रखे ताकि मैं हर चीज़ को पीसफुली देख पाऊँ कहते हैं कि मेडिटेट जो करता है ना वो तीन से चार गुना बेहतर तरीके से सोच सकता है अपनी डिसीज़न ले सकता है और लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस कि आप उस टाइम पे क्या डिसीजन लेते हो वही आपको आगे लेके जाती हैं इट्स एज सिंपल एज दैट तो खाम खा करूँ बाबा मेरे को ये दिला दे बाबा वो दिला दे अब क्या हो जाएगा बाबा दिला देंगे तो और बाबा बाबा के पास खुद ना नहीं वो कुछ है जो अलग तरीके से कर रहे हैं बट जो जैनवन भी होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि भाई तू अगर मेरे पास आया है ना तो अगर तू बोलेगा मेरी इच्छाएं पूरी कर दो भाई मैं तेरी इच्छाएं नहीं मैं तेरी इच्छाएं हटा दूंगा तो वो मैं उनको असली मानता हूँ क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी जब तक आपकी कुछ ना कुछ मांगने की हो रहेगी यार ये दिला दो वो दिला वो कभी खत्म होंगी नहीं तो असली वाले बाबा जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक तेरी इच्छा हटेंगे नहीं ना तू कनेक्ट कर नहीं पाएगा तू यूनिवर्स के साथ अलाइन हो ही नहीं पाएगा तो हमेशा मांगता रहेगा ये दे दो आज हज़ार करोड़ आ गए फिर दो हज़ार करोड़ दे दो फिर एक लाख करोड़ दे दो मैं इतना बड़ा बना दो सारी दुनिया पैसा मेरे पास वो कभी खत्म होंगी नहीं और ये बहुत ट्रू है बट हाँ मतलब मेरे साथ अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे ऐसे मिले गुरु जो बोलते कि बेटा इच्छा हटा दे अगर ढंग से सुख शांति से जीना है तो बट हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं जिस वर्ल्ड में रहते हैं बॉम्बे जैसे सिटी में बहुत फास्ट लाइफ है वहाँ पर कुछ चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ती हैं हम एकदम से सारी चीज़ें हटा के त्याग करके वो चीज़ें नहीं कर सकते बट वहाँ पर भी जिसने बैलेंस पा लिया और अपने साथ कनेक्ट हो गया तो मुझे लगता है कि वो इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ख़ुशी खुशी सक्सेसफुल अपनी लाइफ को जी सकता है ये मेरा मानना है बेसिकली वो ज़्यादा उलझता नहीं है दुनियादारी में क्योंकि आप अगर सही चलो तो कोई दूसरा उंगली करके आपको परेशान करने की कोशिश करेगा आप उस जाल में फंस गए आप कैसे कनेक्ट करोगे आप पीसफुली देख ही नहीं पाओगे जी नहीं पाओगे कुछ भी करके तो वो सब चीज़ें मेरा बिलीव है तो हाँ बाबाओं को मैं इस तरीके से देखता हूँ जहाँ पर एनर्जीज वगैरह मुझे फ़ील होती है मैं वहाँ पर ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ बाकी चोलो में ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता बाकी फैशन भी हो गया आज के दिन पे तो क्या स्टार्टिंग में आपने कहा था कि यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं मेरी लव लाइफ भी हार्ट ब्रेक हुआ था तो क्या थोड़ा सा हम जानना जरूर चाहेंगे नहीं मैं उस लड़की के बारे में नहीं, नहीं बता सकता वो मेरा पहला प्यार थी होता है सबका होता है जब आप पहली पहली बार किसी लड़की से मुलाकात होती है नजरें मिलती हैं ऐसा कुछ होता है तो एक था नहीं दोनों तरफा था बटांसिस कुछ ऐसे थे कि ना मुझे पता कि करना क्या होता है नॉट <laughs> वैसे बट इमोशनली uh, तुम क्या बात करते हो गांव से गांव में तो नॉर्मली सारी बहनें होती थी तो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं होता था कि पता नहीं क्या बात करते हैं और कैसे रहते हैं आपस में बस वो बहुत ट्रू लव था मुझे ऐसा uh, मतलब अभी भी लगता है उसमें ना तो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी किसी से मैं शिद्दत से मतलब मैं कनेक्टेड था और जो भी छोटे छोटे मोमेंट होते थे मैं साइकिल लेके उसकी बस के पीछे भागना और और भी बहुत सारी स्टोरी हैं मैं बोल नहीं सकता अगर कहीं वहाँ तक बात पहुँच गई उसके पापा <laughs> बट ऐसा कुछ नहीं है बट जोक्स पार्ट वो मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत खूबसूरत फेज था जिसको मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता हूँ जो मेरी मेरा सीक्रेट है और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता दैट्स माई पर्सनल चॉइस बट हाँ कभी इन फ्यूचर uh, मुझे लगा कि किताब लिखनी चाहिए जो एक बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ मैं इस स्टोरी के ऊपर मेरी लाइफ के ऊपर जहाँ पर आपको ड्रामा से लेके कॉमेडी हॉरर सब मिलेगा तो इन फ्यूचर यू नेवर नो अगर आपको कुछ ऐसी बुक मिल जाए या कुछ ऐसी फिल्म मिले तो आप सरप्राइज मत होना uh, मैं लिख भी सकता हूँ पर राइट नाउ दैट्स माई पर्सनल थिंग बट या दैट वॉज़ अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ जब मैं रोहतक पहली बार आया था और मुझे पहली बार प्यार हुआ था उफ व्हाट ब्यूटीफुल जर्नी लेकिन कहीं ना कहीं आप मानना तो पड़ेगा कि वो इंसिडेंट नहीं होता आपका हार्ट ब्रेक नहीं होता आज आप यहां कर नहीं होते मैं हर चीज हर <laughs> डॉट कनेक्ट कर सकता हूँ मेरे गांव में <clears throat> मैं भैंसों के ऊपर बैठ के जोधपुर में जाके वहां से बंदा बॉम्बे तक पहुंच रहा है तो जो बीच में जितने भी डॉट्स आए वो हर डॉट एक रीज़न थी आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने की कभी मेरे पूरे खानदान में मेरे आसपास कोई सोच भी नहीं सकता था बॉम्बे अलग दुनिया है हमारे लिए फाइनेंशियली भी इतने वो लेकिन जागे अब देख लोगे चांस ले ले भाई हम देख लें तेरे पीछे खड़े हमारे कोई नहीं है पापा टीचर है मेरे बेचारे शरीफ से इंसान है उनको सिर्फ अपना घर परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कमाल से निभाते हैं और वो मुझे पर्सनली लगता है कि वो भी यूनिवर्स से बहुत अच्छे से अलाइंड है उनको सब कुछ सुबह साढ़े तीन बजे उठ जाएंगे मेडिटेट ये वो सब कुछ प्रॉपर उनका चलता रहता है बट कभी ऐसा नहीं सोचा था तो जो भी कुछ हुआ लाइफ में हर साल वो स्कूल चेंज करने का हो अगर शायद वो नहीं होता तो और शायद मैं वो फिल्म मोहब्बतें नहीं देखता शायद मैं हॉस्टल में ना जाता हॉस्टल में वो भूत की कहानी ना होती मुझे छन छन की आवाज़ें आई थी पर मुझे पता नहीं ऊपर कोई लेडी जा रही थी या वो एक्चुअल में कुछ था मैंने बहाना लिया मैं वहाँ से निकला वो नहीं निकलता यार वापस गांव में जाके कोई नहीं बोला होता इसको शहर में डाल दो शहर में रहने लग जाओ तो वहाँ कुछ ना होता तो वो कनेक्ट नहीं होता उसके बाद वो लव स्टोरी ना होती शायद मैं रोहतक से ना निकलता तो हर हर डॉट बहुत खूबसूरत तरीके से कनेक्टेड है और आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसी लाइफ जी है जहाँ पर मैं मैं बता सकता हूँ यार मैं एक जैन जेन एक्स ज़माने से लेके जैन जी ज़माने तक का मैं एक बहुत खूबसूरत एक एग्ज़ाम्पल हूँ जो शायद अगली जनरेशन एक्सप्लोर भी ना कर पाए कि बिना फ़ोन कैसे रहते थे उस टाइम खेतों में क्या करते थे बिल्कुल ही देसी आदमी क्या करता है आप अपनी लाइफ में वहाँ से लेके एक टॉप नोच ज़िंदगी जीने तक का सफ़र मैं एक बहुत खूबसूरत तरीके से बयां कर सकता हूँ अपनी लाइफ का एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं ऐसे घर में ऐसे परिवार में ऐसे संस्कारों के बीच में पैदा हुआ सो so, मैं 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 बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को कि जो भी कुछ हुआ मेरी लाइफ में बहुत खूबसूरत तरीके से हुआ है और हो रहा है और आगे होगा भी ये मेरे, मेरे <laughs> <coughs> हाँ जैसे हरियाणा गया था मैं फ्रीलेंसर के बाद में उससे पहले <coughs> मॉडलिंग करता था मॉडलिंग में होता क्या था कि हर जगह दिखते नहीं हो आप तो आसपास पड़ोस वाले बोलते साल हो गए तू कहाँ दिखता तो नहीं बता तो कहाँ दिखता है महाराजी मॉडलिंग में ऐसे नहीं दिखते वो फोटो छपते हैं कहीं पर हमें भी नहीं पता होते कौन से ब्रांड में कई बार कई ब्रांड ऐसे कर दिए मैंने जो रोहतक में पिक्चर्स वगैरह लगी होती तो मैं बोलता था वहाँ जाके देख वहां जा के आओ वहाँ जाके देख के आओ तो उनको मिल जाते थे अरे मेरा बेटा है मेरा मेरा बेटा है <laughs> कौन सी उसमें करते थे मेरा बेटा है <laughs> <laughs> तो हाँ प्राउड फील होता था बट अभी जैसे फिल्मों में आया तो ये मुझे लार्जर ऑडियंस मेरे नाम से जानती है मेरे काम से जानती है तो उसके बाद जैसे फ्रीलेंसर के बाद मैं हरियाणा गया था तो कुछ दो सौ ढाई सौ गाड़ियाँ दुनिया भर के लोग वहाँ पर मुझे आ, पिक करने आए हुए थे और पूरा जुलूस निकाला गया था मतलब रोड ब्लॉक्स थे आ, सम्मानित किया गया था फिर और जगह इन, इन्वाइट किया गया तो जिस तरीके का प्यार मुझे एक्टिंग में जैसे उतरते मिला और वो उससे मेरे घर वालों को जो प्राउड फील हुआ आसपास जिन्होंने जो Uh, अभी तक इतना इन्वॉल्व नहीं थे मेरी फैमिली को जानने में अब वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं समझने में कि uh, uh, मेरी फैमिली क्या करती है uh, मेरी फैमिली और उस चीज़ से मुझे कितनी खुशी मिलती है अगर कोई भी इंटरव्यू अगर स्पेशली रोते या हरियाणा में होता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पिताजी का नाम ज़रूर होना चाहिए उसमें तो मेरे लिए वही एक कमाई है आप तो काम करते हो आपको पता फील ही नहीं होता आप इतने दिन से आपने पहले होर्डिंग देखने का सपना देखा होगा कि यार मेरे बड़े बड़े होर्डिंग हो या आपके मेन हाईवे पे हर जगह मेरे हर किलोमीटर पे होर्डिंग्स होते थे, थे एक टाइम पे इतने शॉर्ट इतने कट बिल्कुल ही बड़े बड़े उस पर वो हुआ पे करते करते फिल्मों में आपको आपको काम दिखने लग जाता है बट एक्चुअली ख़ुशी आपके घर वालों को खुश खुश देख के जो होती है ना आपको वो आपको लगता है कि यार हाँ अब कुछ कमाया है आपने कुछ किया लाइफ में तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे घर वालों को प्राउड फील देख के और आगे बहुत करता रहूंगा रुकने वाला तो मैं हूँ नहीं ये तो तय है हाँ अब आगे कहाँ देखेंगे आपके फैंस आपको अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहें हाँ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं दो प्रोजेक्ट जो हैं वो शूटिंग खत्म नहीं हुई तो मैं कभी शूट से पहले या स्टार्ट होने से पहले मैं उनके बारे में नहीं इतना एक्सपोज करता हूँ तो एक अभी जो आ रहा है वो संजय दत्त के साथ में और ये बोल सकते हो कि रणवीर कपूर के बाद में मैं दूसरा बंदा हूँ जो संजय दत्त को मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन सो ये मेरे लिए मेरे ख्याल से अभी लाइफ तक का सबसे एक्साइटिंग बोल सकते हो सबसे कमाल का कैरेक्टर एक्सप्लोर करने को मिलेगा जो बहुत ही कम लोगों को चांस मिलता है पूरे लाइफ टाइम लाइफ स्पेन में कि ऐसा कुछ कैरेक्टर मिले और वो पोर्ट्रे करें तो बाबा संजय दत्त हिमसेल्फ को अगर मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ तो मेरे लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत जल्दी उसकी शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और मे बी नियर फ्यूचर कुछ मंथ्स में शायद वो फिल्म बाहर आए इट्स अ थिएट्रिकल फिल्म होपफुली अगर कुछ जितना मुझे अभी तक आइडिया है बट इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स uh, होगी वो मैं आपको बता दूंगा बट ये भी है बाकी दो फिल्में और आ रही हैं जिनकी शूटिंग बाकी है आँख में जोली अभी जस्ट दस दिन पहले कम्प्लीट हुआ है uh, उसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें एक्साइटिंग एप्स वगैरह आ रहे जो इंडस्ट्री के लिए काम करेगा इस कॉल द स्टारनेक्स तो स्टारनेक्स ऑडिशन और मास्टर क्लासेस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को जिसमें आप कहीं पर भी बैठ के आप ऑडिशंस दे सकते हो अपनी एजुकेशन ले सकते हो बेसिकली आपको बॉम्बे आने की जरूरत नहीं तो लूप होल्स बहुत सारे लूप होल्स थे पिछले एक डेकेड में मैंने जितना भी समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्री में सब पे साइकोलॉजिकली काम करके कि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कास्टिंग वाले को क्या चाहिए तो सब पे एक प्रीमियम ऐप हमने क्रिएट किया ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है वो बट पब्लिकली कुछ दिन में लॉन्च करने वाले तो वो अभी आ रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि नए नए लोगों से मिलने का मिलेगा ट्रैवल करूँगा पूरे इंडिया में पूरे लोग पूरी इंडस्ट्री एक ऐप पर होने वाली है मिनटों में कास्टिंग्स हो जाएंगी राइट कास्टिंग तक तुरंत पहुँचा जा सकता है तो वो भी एक न्यू वेंचर है बहुत खूबसूरत वेंचर होने वाला है मेरे लिए तो उसी पे अभी काम चल रहा है अभी कुछ दिन बीच में फ्री था तो उस पर काम चल रहा है अभी के लिए तो यार एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला जो हमेशा इंडस्ट्री पे सवाल खड़ा किया जाता है नेपोटिज्म तो इतने सालों से आप काम कर रहे हैं तो कभी आपने फील किया है नहीं कभी नहीं मुझे ऐसा लगता नहीं है कि नेपोटिज्म है बट हाँ एक अपर हैंड होता है जब आपके आसपास कोई लोग हो जो आप पे बिलीव करते हैं आप पे पैसा लगा सकते हो इट्स प्योर बिजनेस अगर मेरा बेटा कोई होता या मेरा मैं किसी का बेटा होता तो मुझे लॉन्च करता एज सिंपल एज दैट वो बाहर वाले भी क्यों वो लगाता बट वो बहुत ही कम परसेंटेज है यार वो एक दो पाँच परसेंटेज लोग हैं आपकी नाइनटी नाइन्टी फाइव परसेंटेज पूरी ओपन पड़ी हुई है आप वो इट्स अ बिजनेस जो चांस ले सकते हैं वही अपने ऊपर लगा सकते हैं नहीं तो उनको बिजनेस चाहिए ना अगर मैंने ऐसी जगह पैसा लग जाए मुझे पता है यहाँ पैसा ही यह फंसने वाला और यहाँ कुछ होगा नहीं तो एक राइट कास्टिंग करके ही वो उस चीज़ को अपना लेवल अप करता है राइट तो मुझे ऐसा कभी पर्सनली फील नहीं हुआ हाँ कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट आए जब लगा कि यार नॉन फेस चाहिए था यार कल को मैं नॉन फेस हो जाऊँगा शायद मैं छोटे छोटे करके सेमी नॉन फिर नॉन उसके बाद शायद मुझे लेने लग जाएंगे तो इट्स अ प्रोसेस आपको वहाँ तक पहुँचना है इट्स लाइक यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम ये तीन चीजें अगर आपने कर ली तो आप इंडस्ट्री में काम करोगे yeah. चाहे आप वो लोग जो नेपोटिज्म बोलते हैं वो उनके आसपास हैं शायद उनको लगता है कि ये फेस यहाँ सूट कर लेगा तो इसके साथ चांस ले थोड़ी मेहनत करके तो इन चीजों पे फोकस करो आपको राइट जगह पे होना जरूरी है राइट टाइम पे होना जरूरी है राइट लोगों के साथ होना जरूरी है और ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए जो ऐप की हम बात कर रहे थे स्टारनेक्स वो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है जब राइट कास्टिंग आती है राइट लोगों तक पहुँचती है क्योंकि फ़िल्टर ऑप्शन पूरा ए बेस्ड है और राइट टाइम पर हो रहा है राइट लोगों के साथ है और राइट प्लेस पर हो रहा है तो ये तीनों चीज़ों को एक ऐप पे आप मिल रहे हो तो आपको किसी से कनेक्ट करने के या उसके बाद ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं आपको पूरे पैन इंडिया के ऑडिशंस एक जगह और आ रहे हैं आप सिर्फ उस पर एक्टिव रहो और अप्लाई करो सेम चीज़ कास्टिंग डायरेक्टर्स को चाहिए कि राइट कास्टिंग मुझे मिल जाए कौन अवेलेबल है जो इतना लंबा प्रोसेस है फ़ोन करके ऑडिशन मंगवाना ड्राइव में डालना फिर शेयर करना वो मिनटों में हो जाएगा महीनों का काम घंटों में ख़त्म हो सकता है तो उस चीज़ पे इसलिए काम किया जा रहा है ताकि नेपोटिज्म कोई बोल ना पाए ताकि हर लोग ये बोल पाए कि यार अब हमें एक प्लेटफॉर्म पता है जहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है मेरे काम पाने की अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं काम लेने के लिए अब मैं घर पर बैठ के अपने आप को ग्रूम कर सकता हूँ एजुकेट कर सकता हूँ और अपने अप्लाई ऑडिशन कर सकता हूँ सो दे इज़ नो नेपोटिज्म आई फील बट आप राइट जगह तो हो आप घर पर बैठे हुए सोचोगे कोई काम देगा ऐसे कौन काम देगा भाई कोई नहीं देगा आपको बाहर निकलना पड़ेगा या कुछ ऐसी आजकल तो सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है वहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करो लोग देख देखें अब तक रीच हो पाए तो शायद वो भी एक राइट प्लेस पे पहुँचने का तरीका हो सकता है घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है ये फॉर श्योर है Ko hai. So, mujhe aisa kuch nha, yeah. Lastly, अपने आस पास अपने बेटों को आप लॉन्च करोगे सो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगती नहीं उस चीज में यार लास्टली अपने फैंस को और जो आज की जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज <laughs> देना चाहते <clears throat> अरे वाह मेरे हाथ में आए आप किसी भी फील्ड में काम करते हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी भी फील्ड में काम करो सबसे पहले तो जो मुझे लगता है यूनिवर्सल कुछ रूल्स हैं जो शायद हम फॉलो ना करते हो तो मुझे लगता है वो फॉलो करना स्टार्ट करना चाहिए हम थोड़े अपने अपने आप की सुनना ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए राधा दैन दिमाग यूज़ करके उस चीज़ को खराब करना जो मैं इंट्यूशन या सिक्सेंथ या अपने दिल की बात जब आप वो सुनते हो तो आपको राइट डायरेक्शन एक पता होती है कि ये मेरे लिए सही काम करेगा या नहीं काम करेगा आपके अंदर से आवाज़ आती है कि यार मेरे लिए सही नहीं है या सही है तो सबसे पहले वो चीज़ करो उसके बाद जब भी आपको लगे कि ये श्योर है उस पर पूरा सब कुछ झोंक दो कि यार ये मुझे करना ही है मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ एक शिद्दत से मैं टाइम देता हूँ पेशेंस रख के और हाँ यार ज़्यादा ज़्यादा टफ मत बनाओ लाइफ को लाइफ बहुत सिंपल है ज्यादा ये मत करो मेरे को ये उखाड़ दूंगा वो उखाड़ दूंगा ये तो एक्टिंग में बोला जाता है जब भी आप सीन में घुसते हो या कोई भी सीन करते हो आप फिल्म के सेट पे खड़े हो जब आप किसी किसी दिन ये सोच के चले गए ना तो आज तो मैं उखाड़ दूंगा आज तो पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा सीन में वो सबसे खराब सीन होता है आपका और ये लिख के मैं दे रहा हूं ये बड़े बड़े एक्टर से पूछ लेना तो आप दिमाग से बिल्कुल शांत होना जरूरी होता है तो हवा मत बनाओ लाइफ को भी ये तो मैं सीन की बात की एज एन एक्टर तो लाइफ को भी हवा मत बनाओ तो एक एक्टिंग में भी यही बोला जाता है कि जब आप लाइफ में सही हो ना तो ही आप एक अच्छे एक्टर बन पाते हो तो आई सजेस्ट यू ऑल सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो अपने आप को सुनो आपको एक सही सही डायरेक्शन अपने आप एक गट फीलिंग आपके इंट्यूशन आपका दिल बता देगा और उस पर शिद्दत की तरह लग जाओ बस बट सेकेंड थाट नहीं होना चाहिए तो वही मुझे लगता है एक सक्सेस लाइफ में पाने का जरिया है सो या इट्स वेरी सिंपल यार कुछ अगर होगा बाद में तो बाद में शेयर कर दूँगा आपको वॉइस नोट भेज दूँगा या वीडियो भेज दूंगा आप शेयर कर देना कुछ अलग चीज़ मैंने एक्सप्लोर किए तो अभी तक तो, तो यही इतना सिंपल सा फंड है यार कुछ ज़्यादा है नहीं सो या ऑल द बेस्ट का